अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। चार्जशीट जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। एक आइनी इदारे के साथ महाजाराई अपनी शिकस्त की बुनियाद पर शुरू कर दी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन चोरों और मुजरमों को पनाह दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को बदनाम नुकसान पहुँचाया और मुल्क को बदनाम किया है। और वज़ीर आज़म साहब ने वो जो खिताब किया उस पर भी बात करते हैं। और एक पीडीएम का है लातालुकी, वो था ना इजहार लातालुकी, इश्तहारों में क्लासीफाइड, अखबारों में छोटे छोटे क्लासीफाइड इश्तहार, इजहार लातालुकी टाइप इलेक्शन कमीशन पीडीएम ने बड़ी जीत के बाद इजहार लातालुकी का इजहार किया है, ज़रा रवैया अख्तियार किया है लातालुकी का। वो है इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले को लेकर। और फिर नवाज़ शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज़, जो आज फिर बहुत ज़्यादा बोले हैं और वही बातें की हैं, कुछ लगे उसमें कुछ सीधी कुछ साफ, और कुछ बातें उन्होंने की हैं क्या कहते हैं इसको, लगी लिपटी, कुछ बातें रुमाल में लपेट कर की हैं। तो बहरहाल अब इमरान ख़ान साहब, जिन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट किया बल्कि एक धमकी भी दी है, एक अपोजिशन को भी धमकी दी है, और वो ये कि अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की तो फिर मैं सड़कों पर हूँगा, फिर मैं आपको भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और दूसरा उन्होंने एक कहीं और भी इशारा किया है, वो जो धमकी है इमरान खान साहब की, उस धमकी के दो मतलब दो पहलू समझे जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की धमकी जो है ये किसी एक कॉर्नर को नहीं है, ये कई कॉर्नर्स को है। तो बहरहाल कल सेनेट का इंतखाब हुआ, इस्लामाबाद में शिकस्त हुई इमरान खान को हफीज़ शेख की नशस्त पर, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब को कौम से ख़िताब करना पड़ा। अब इमरान खान साहब पहले ये भी कहते रहे कि जनाब ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, पता नहीं इसको क्या करके पेश किया जा रहा है, और इसको कहा यह जा रहा है कि जनाब मैं मेरे पास मेजॉरिटी नहीं रही, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वो कौम से ख़िताब भी करने आ गए। अगर हफीज़ शेख वाली सेनेट की नशस्त को इतना बड़ा मामला नहीं था तो फिर वज़ीर आज़म साहब कौम से ख़िताब करने क्यों आए? और हफीज़ शेख वाली नशस्त पर अगर जो शिकस्त है इमरान ख़ान साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत है वो इमरान ख़ान साहब की ही शिकस्त नहीं थी, तो फिर इमरान खान साहब ने वोट लेने का एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला क्यों किया? और अगर ये मामला बिल्कुल ऐसे ही था तो फिर सदर मुमलिकत ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास क्यों बुला लिया? क्योंकि सदर मुमलिकत आइन के तहत, आइनी माहरीन का ख्याल है कि सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का के लिए कौमी असेंबली का इजलास तब बुलाते हैं जब उनको यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म यानी कायद ऐवान एतमाद खो चुके हैं ऐवान का। और हफीज़ शेख की शिकस्त से ये तासुर था, ये बल्कि हम तो पहले ही कह चुके थे कि असल अदम एतमाद तो होगी 3 मार्च को, तो हफीज़ शेख की शिकस्त अदम एतमाद हो चुकी, अब उसकी रस्म है। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बजाय इसके कि वो नो कॉन्फिडेंस ले आए, मैं कॉन्फिडेंस अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करता हूँ। वो मैंने आपको उसकी कहानी बता दी थी कि किस तरह वज़ीर आज़म साहब को इधर लेके आया गया है, अब वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब उसमें अपोजिशन जो है पीडीएम, आज जो दिन भर पीडीएम की एक्टिविटीज़ रही वो रही सेनेट के इंतखाबात, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी चाहती है, मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब का भी एतमाद है हासिल, तो उस पर वो जो इतिहादी है उन इतिहादियों के साथ मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज साहबा के पास चले गए, वहाँ पर पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वहाँ पर बैठी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गिलानी साहब और दीगर कायदीन के हमरा राजा फरोज़ अशरफ भी थे और दूसरे भी थे, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर चकश आज़ाद जाकर मुलाकात की मरियम नवाज से। तो ये सारी चीज़ें, इनका सारा ज़्यादा फोकस ज़्यादा था वो था सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के लिए अपने कैंडिडेट का। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने वो जो उनको जो खिलाया, उनको जो उनके साथ जो गेम हुई है या वो खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतला ये है कि उनके साथ ये गेम की गई है कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये कहा गया कि आप फौरी तौर पे कर लेंगे तो अपोजिशन उधर फंसी होगी, तो वो फिर हमें कॉन्फिडेंस का वोट मिल जाएगा, और अपोजिशन भी इससे अब ताल्लुक़
इस तरह वो इसको कोई बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे इस मामले को कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो ले लें, जब नो कॉन्फिडेंस होगी तो हम करेंगे, ये फैसला हमने करना है, आपने नहीं करना कि आपके ऊपर पार्लियामेंट का एतमाद है कि नहीं। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने और मरियम नवाज ने सवाल का जवाब इसी तरह दिया कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका हुआ है, अब आपको घर कब भेजना है, और वो जो ऑफिशियल नो कॉन्फिडेंस है बाज़ाब्ता कागजी नो कॉन्फिडेंस वो कब लानी है वो हम फैसला करेंगे, वो आप नहीं फैसला करेंगे, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर लिया आप इसको मानते ही नहीं है क्योंकि आपके ऊपर अब आपके ही अरकान ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया हुआ है आपके खिलाफ, हफीज शेख के खिलाफ वोट देकर। और अब आप जिन अरकान को कह रहे हैं, वो जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा ना कि मेरे लोग बिके हैं, मैं अपने लोगों को कहता हूँ ये आप लोग बिकाऊ हो आप बिके हो, तो जो लोग बिके हैं अब उनसे इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे। और ये सवाल तो बनता है कि भाई जो लोग बदयानत हैं, जो लोग खाइन हैं, जिन लोगों ने पैसा लेके वोट दिया हुआ है, तो आप उनके पास जा रहे हैं कि मेरे ऊपर एतमाद करो। फिर वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि आपको अगर मेरे पर एतमाद, मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ कि बाइज़्ज़त तरीके से कि आप खड़े होकर मुझे बताएं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप खड़े होकर ऐवान में बताएं कि इमरान खान साहब आप पर मुझे हमें एतमाद नहीं, आप चले जाएं और मैं चला जाऊँगा। और फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि फिर मैं सड़कों पर जाऊँगा, मैं कहाँ पर भी हुआ, मैं किसी जगह पर भी हुआ, मैं सड़कों पर रहूँगा, मैं चुप करके नहीं बैठूँगा। वो तो इमरान खान साहब ने कहा, वो उसके पीछे फिर वो करप्ट लीडरशिप और वही वो इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है, सियासी बयानियाँ हैं, उनका राइट है, ठीक होगा गलत होगा उसका फैसला अवाम ने करना है। और फिर आप अभी इस वक्त तो अवाम इमरान खान साहब के बयानिए को नहीं उनकी कारकर्दगी को देख रहे हैं, इवन उनके अरकान जो हैं जो अपोजिशन के साथ रबते में, और मतलब अपोजिशन तो अब एतराफ़ कर रही है ना, हम तो बड़े अरसे से आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के बहुत ज़्यादा अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ रबते में, जैसे इमरान खान साहब कमज़ोर हो गए वो छलांगे लगाकर उधर चले जाएंगे। तो बहरहाल अब वो कल परसों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पता चल जाएगा कि खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाते कि नहीं ले पाते, लेकिन अपोजिशन का ख्याल है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, असल वार हम करेंगे, यानी गिराना कब है हम फैसला करेंगे, आप नहीं फैसला ये कर सकते कि आपको कब जाना है कब नहीं, हम फैसला करेंगे। ये अपोजिशन का एतमाद है भाई, जो जीत जाए उनका एतमाद तो बढ़ जाता होता है। तो बहरहाल इस तरह की बातें की, लेकिन खान साहब ने अपनी तकरीर में वही एक उनकी जो एक लेक्चर होता है, यानी उन्होंने सेनेट के इलेक्शन पर कौम को लेक्चर दिया, और लेक्चर देते देते खान साहब ने इल्ज़ाम की बौछार कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन से मुखातिब करके कि इलेक्शन कमीशन जब आपको हमने कहा था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपने शो ऑफ हैंड की मुखालफत क्यों की। अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन किसी के मातहत इदारा नहीं है, आईन और कानून के मातहत है लेकिन हुकूमत इंतज़ामिया किसी के मातहत वो इदारा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब ऐसे मुखातिब कर रहे थे जैसे वो कंटेनर पे कभी खड़े होकर आईजी ओ फिलहाल मतलब ओ का तो लफ्ज़ खैर इस बार नहीं था क्योंकि इतना तो पता है, एक बार पहले इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक कुछ अल्फाज कहे थे तो जिसका नोटिस लिया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो अदालती अख्तियार आते हैं तो वो तो इन्हें अदालत का नोटिस भी जारी कर सकते हैं, तो एक बार इमरान खान साहब भुगत चुके हुए तो इसलिए इन्होंने ज़रा अल्फाज का चुनाव, लबो लहजा नहीं, लबो लहजा धमकी वाला था, लबो लहजा बहुत ज़्यादा वो था कि भाई मतलब इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाए, और इल्ज़ाम भी ऐसे जैसे कटड़े में खड़े करके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको आपका सबसे बड़ा जो है वो किरदार है इसमें, आपने इलेक्शन साफ शफाफ करवाने थे मगर आपने इंतखाबात साफ शफाफ करवाने के बजाय आपने मुजरमों को तहफ़ दिया है, वो लोग जो बिके हैं उनको आप तहफ़ दे रहे हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जनाब आप को तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना था कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में कह देना था कि जनाब हम शो ऑफ के हैंड के जरिए वोट करवा सकते हैं, वो सेनेट का इलेक्शन करवा सकते हैं, आपने नहीं करवाया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा तब भी आपने 1500 बैलेट छपवाने थे, आपने बार कोड वाले आप 1500 बैलेट नहीं छपवा सकते थे, आपने वो बैलेट नहीं छपवाए तो वो जो लोग बिके, वो जो मुजरिम हैं जिनको पकड़ना चाह रहे हैं वो आपकी वजह से, आपने उनको बचा लिया है, आप उनको बचा रहे हैं, आप उनको तहफ़ दे रहे हैं, और आपने वो फिर इलेक्शन कमीशन को मुखातिब कर रहे हैं बार बार, और फिर आपने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, आपने मुजरमों को मौका दिया है, आपने करप्ट टोले को मौका दिया है कि वो सेनेट के इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल करें, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन को मुखातिब होकर इमरान खान साहब कह रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, आपने पाकिस्तान को बदनाम किया है, ये एक अजीम मुल्क बनना चाहिए था लेकिन आपकी वजह से पाकिस्तान जगह जगह पे बदनाम हुआ है, और करप्शन जो है उसको कानूनी तहफ़ दे दिया है आपने, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं इमरान खान साहब। सवाल है खान साहब से
इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारे अपनी बात करते होते हैं अपने किरदार के साथ, अपने काम के साथ, अपनी कारकर्दगी के साथ। लेकिन मेरा सवाल है, मेरा सवाल है इमरान खान साहब के साथ कि क्या आईन में तरमीम करना इलेक्शन कमीशन का काम था? क्या आईन में तरमीम करना सुप्रीम कोर्ट का काम था? क्या कानून बनाना इलेक्शन कमीशन का काम था? आपने आईन में तरमीम के नाम पर एक मजाक किया कौम के साथ। आपने ये किया कि आप एक आईनी तरमीमी बिल ले गए, पहले आपने मजाक ये किया कि आपने सदारती रेफरेंस भेजा, सदारती रेफरेंस के दौरान आप आईनी तरमीमी बिल ले आए पार्लियामेंट में, और जब वो बिल आया तो आपने मुराद सईद, शिबली फराज या जितने भी आपके वो जो हैं लोग, वो जो चोर चोर का शोर मचाते हैं अपने वज़रा वज़रा, उनके ज़रिए ऐवान का माहौल ख़राब करवाया। वहाँ पर वो आपने देखा कि वो धींगा मुश्ती हुए कराची के, वो जो एम एन ए इनायतुल्ला इस तरह का कुछ नाम है, वो लड़ाई उस दौरान की लड़ाई है। आप अगर आइन में तरमीम चाहते थे तो आइन में तरमीम का तरीका ये नहीं है कि आपने कागज़ पर चार लाइनें लिखी और वो बिल के नाम पर पेश कर दी, ऐसा तो नहीं होता। आइन में तरमीम के लिए प्रॉपर कमेटीज़ बनती हैं, हाउस की कमेटी बनती है भाई, तमाम जमातों की कमेटीज़ बनती हैं, एक तजावीज़ आती है हर किसी की तरफ से, वो तजावीज़ फ़ाइनल होती हैं, उन तजावीज़ के बाद मुश्तरका ड्राफ्ट बनता है, मुतफ़िका ड्राफ्ट बनता है, वो फिर पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट उसको मंजूर करती है, मुस्तरद करती है। यानी आपने कुछ नहीं किया, आप अपना एक फरमाइशी एक प्रोग्राम लेकर आ गए पार्लियामेंट में और आपने तरमीम की नहीं, और आज आपने इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारे को रगड़ लिया। यानी आपकी अपनी जो किरदार था, अपना जो काम था, वो तो आपने किया नहीं। आप क्या करते रहे तीन सालों तक चोर चोर के शोर के अलावा? आज भी आपने वही किया है। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो आपके सियासी मुखालिफ हैं, आप करें, वो भी आपके खिलाफ करते हैं, आप भी करते रहें, जो मर्जी करते रहें। आईनी इदारों को इस तरह उनके साथ सीधी सीधी महाजार आई, यानी इसका मतलब ये है कि आपको पता लग गया हुआ है कि आपका आपकी गेम ओवर हो चुकी है, आपका खेल ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आप महाजाराई करके, तूफान खड़ा करके, धूल उड़ाकर उसमें से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वगरना आईनी इदारे को, आईनी इदारा वो क्या करेगा? कल को इलेक्शन कमीशन जो आपको नोटिस भेज दे, वज़ीर आज़म को नोटिस भेज दे, महाजाराई बराह रास्त, और बनता है उनका नोटिस भेजना, मुझे कानून का ज़्यादा पता नहीं है, मगर जो काम आपका करने वाला है, जो शफाफियत आपने रखनी है, वो शफाफियत आप इलेक्शन कमीशन से कैसे, पर धुंध में इलेक्शन कमीशन का स्टाफ अगवा हो जाता है, धुंध में इलेक्शन कमीशन का स्टाफ अगवा हो जाता है, और उसका इलेक्शन कमीशन जो प्रेस रिलीज जारी करता है, आपकी हुकूमत क्या करती है, पूरी की पूरी उस इंतज़ामिया के साथ खड़ी हो जाती है, आप उसको चैलेंज करने चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का आप तब साथ क्यों नहीं देते जब वो धांधली रोक रही है, जब इलेक्शन कमीशन जिस दिन लोगों को कहती है कि जनाब इन लोगों ने हमारे लोगों को तहफ़ नहीं दिया, तो तब आप उन लोगों का तहफ़ करने बैठ जाते हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ बराह रास्त महाजारा ही कर रहे हैं, और आज इमरान खान साहब के लबो लहजे से मुझे लगा कि वो जो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज थी ना डस्का इलेक्शन के बाद वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब आईजी भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, आईजी भी अवेलेबल नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं थे, और नीचे वाले इंतजामिया भी, तो वो हमारे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे लापता हो गए, तो आज खान साहब ने जो उनका लबो लहजा था उस प्रेस रिलीज का बदला लेने की कोशिश की है। लेकिन आगे आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, उनकी मर्ज़ी है, वो उनका सवाबदीद है, मर्जी तो नहीं उनका सवाबदीद है, सवाबदीद मर्जी एक ही चीज़ होती है कि वो इसका क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज ये मान लिया हुआ है कि वो शिकस्त खा चुके हुए हैं, और उसका दूसरा एतराफ़ उन्होंने वो धमकी से किया। वो धमकी ये थी कि जनाब मैं हुकूमत में रहता हूँ कि नहीं रहता, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सड़कों पर जाऊंगा, मैं जो करप्ट टोल है उनके खिलाफ। यानी आप अब ये बात ही आप जब कर रहे हो सेनेट के इंतखाबात में शिकस्त के बाद कि मैं हुकूमत में रहता हूं कि नहीं रहता, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, यानी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनको, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो, अब आप किसी को ये पैगाम दे रहे हो कि मैं अफरा तफरी फैलाऊँगा, आप मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं अफरा तफरी फैलाऊंगा ताकि कोई आपका फिर तहफ़ कर सके। ये कहीं और के लिए पैगाम है, ये सिर्फ अवाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए नहीं था कि मैं इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलने की बात जो है, सलीम साफ़ी को सू करें, सलीम साफ़ी साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि केपीके में चार लोगों को पीटीआई ने, चार सनतकारों को टिकट दिए हैं, तीन एक ख़ानदान के हैं भाई, ये तीन कराची में फैसल वोडा पैसे वाली मालदार पार्टी, सैफुल आबड़ो मालदार पार्टी, इल्ज़ाम आपकी जमात लगा रही, हम नहीं लगा रहे, किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में, पीपल्स पार्टी
लेते होंगे पैसे भाई, मुस्लिम लीग नून वाले लेते होंगे पैसे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में, पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से। ये इल्ज़ाम अभी तक नहीं आया कि उन्होंने फिलहाल मालदार बंदे को पैसे दे के टिकट लेके टिकट दिया हो। आप पे लग रहे हैं और आप ही हैं चीख रहे हैं जनाब टीवी पर बैठ कर आस्तीन चढ़ा चढ़ा कर और इलेक्शन कमीशन को आंखें दिखा रहे हैं। आप वज़ीर आज़म हैं, आप मत ये क्यों भूल रहे हैं कि आप कंटेनर में नहीं हैं, यानी इदारों के साथ, यानी वो ना खेडांगे ना खेड़ देंगे, मतलब वो आपको असेंबलियाँ तोड़ने से शायद किसी ने रोक दिया, मगर यहाँ पर आप जो है वो आपको, और आप जब बात करते हैं, दोबारा वही मैं बात कर रहा हूँ जो माजी में भी कई बार इमरान खान साहब को लेकर हुई है, उनके ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर। अयूब खान का दौर तो आपको सुनहरी दौर लगता है पाकिस्तान का, ज़ियाउल्लाह का दौर 85 तक आपको ठीक लगता है, यानी 77 में वो आइन तोड़ता है वो ठीक है, उसके बाद वो पाकिस्तान में फिरकेवारियत जो मर्जी करता है, नंगा नाच खेलता है वो ठीक है, लेकिन 85 के बाद जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम आता है वो बहुत गंदा सिस्टम था, कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। हम हमेशा उसके नाकद रहे, नवाज शरीफ साहब उसकी पैदावार है, पैसा उसी दौर में आया, लेकिन ज़ियाउल्लाह का दौर 85 के बाद ख़राब हो जाता है और सारे जमहूरी दौर ख़राब, अयूब का दौर और ज़ियाउल्लाह के दौर ठीक, मुशरफ का दौर ठीक, पाकिस्तान की बुराइयों की जड़ 2008 के बाद शुरू होती है। तो ये बहरहाल खान साहब का कंडक्ट है। तो आखिरी बात नवाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज वर्कर्स कन्वेंशन को ख़िताब किया इस्लामाबाद में, और उसमें मरियम नवाज़ ने तो उससे पहले वो जो नवाज शरीफ साहब की जितनी भी तकरीरें थी गुजरांवाला से लेकर, उसके बाद उन तकरीरों का जो चुन चुन के जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो मियां साहब का बयानिया था वो बयानिया अब मुल्क के कोने कोने में पहुँचा हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में अपना जो मौक़िफ़ था उस दोहराया नहीं, लेकिन वो अज़म का आधा जो होता है ना उसके ऊपर खड़े रहने की उन्होंने बात ज़रूर की कि जनाब वो जो मेरा मौक़िफ़ था मैं उससे हटा नहीं हूँ, और बड़ी कोशिश की गई मुझे हटाने की लेकिन मैं नहीं हटा, और वो जो आइन, उन्होंने कहा हमने अंग्रेज़ों से गुलामी ले ली है, अब ये आइन तोड़ने वाले जो हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी ले ली है, अब आइन तोड़ने वालों से भी हमने आज़ादी लेनी है, इस मुल्क को निजात दिलवानी है। ज़ाहिर है वो किन की तरफ इशारा है उनका, वो कहते रहे हैं कई बार, तो और साथ ये भी कहा कि जनाब आपके एक सफ़े पर रहने से किसी गरीब का पेट नहीं भरा। तो बहरहाल अब पाकिस्तान अपोजिशन का एहतजाज होता है, अपोजिशन का एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए तो अपोजिशन को किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं हो सकती, लेकिन जो हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ज़रा संभल संभल कर चले, हिसाब किताब के साथ चले, हिसाब किताब पैसे वाला हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब के भाई कहाँ मुल्क को नुकसान होगा, इदारों का मफाद किस में है, तसादुम से कैसे बचा जा सकता है, वो सारा कुछ होता है हुकूमत की उसमें ज़िम्मेदारी में, मगर जब हुकूमत ख़ुद महाजारा ही पे आ जाए तो मेरे पाकिस्तानी हो, वो इमरान खान साहब जो कहते ना मेरे नौजवान हो, मेरे पाकिस्तानी हो, एक बात समझाना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा, ये इमरान खान का स्टाइल है, एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, ज़रा गौर से सुनिए, मैं समझाने वाला कोई नहीं होता, मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इमरान खान साहब को नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात समझाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा सुनिएगा, कि जब हुकूमत महाजारा ही पर आ जाए वो भी इदारों के साथ, तो समझें कि उस हुकूमत का चल चलाव है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।